Well, a month before, it was Dhanu Anjan who had covered this very particular case of 2-year-old Arya Shah, who stuck in Germany and in German custody since past 2 years. This very particular case, we also tried to ask Ministry of External Affairs officials about the case's update. While they said that it is a very sensitive case and they are looking after it, they want to meet Prime Minister Narendra Modi, is what is their plea to somewhere, and they have hopes from him that he will be the person who will be saving their daughter, is what they say. ये बताया कि आप लोग जर्मनी से भारत देश पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे आए हैं, क्या एक मोटो लेकर आए हैं, क्या एक होप और प्ली? हमारा इंडिया आने का सबसे बड़ा रीज़न है हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई मदद करने की कोशिश करता है तो इन्फॉर्मेशन आती है कि टॉप ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट अथॉरिटी को बहुत वहाँ से ऐसा जवाब आ रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ का चार्ज है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, बच्ची का जो सेक्सुअल अब्यूज़ का चार्ज हम पे लगा था सितंबर 2021 में, वो 24 फरवरी 2022 में विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बंद हो चुका है। और जो हॉस्पिटल ने शंका की थी कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, वो हॉस्पिटल ने सेक्सुअल अब्यूज रूल आउट कर दिया है। इट मीन्स उन्होंने, वो हॉस्पिटल ने ही बोल दिया है बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि शायद कुछ ऑफिसर्स को पता नहीं होगा, क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी यूरोप अफेयर्स बोलो, डायरेक्टर यूरोप अफेयर्स बोलो, या अंडर सेक्रेटरी यूरोप अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी बर्लिन, इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। हमने ये डॉक्यूमेंट उनको तब से, जब आया हमारे हाथ में, हमने तब से दिया हुआ है। सो उनको तो हमको पता है, अभी आगे कितनी बात कहाँ तक पहुँची है वो हमें नहीं पता है। तो हमें यही लगा कि शायद डॉक्टर जयशंकर सर के पास या मोदी जी के पास ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची होंगी, क्योंकि अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँची होती तो 2 साल की हमारी बच्ची को अनाथों के जैसे वहाँ पे जिंदगी जीने के लिए, उसका भविष्य अंधकार में जीने के लिए नहीं छोड़ते। वो जो बच्ची एक इंडियन सिटीजन है जिसने कोई क्राइम नहीं किया है जर्मनी में, उसको इंडिया लाने के लिए जरूर कोशिश नहीं, वो इंडिया लाके ही छोड़ दे। आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, आप जब यू नो देयर वाज अ सेक्सुअल अब्यूज केस दैट वाज हेल्ड, व्हेन इट इज बीन रूल्ड आउट, अब आगे क्या जो है वो फिर से क्यों नहीं आई है बच्ची अब तक हाथ में, आप अगर एक्सप्लेन कर। नहीं, यही चीज हम भी समझना चाहते हैं, क्योंकि जब ये केस बंद हो गया तो हम तो ये उम्मीद में थे कि बच्ची हमारे पास वापस आ जाएगी। तो हमें बोला गया कि हमें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए गए, साइकोलॉजिकल उसको पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं लोग। तो वो दरमियान हम लोग को इतना पता चला जब ही कि लाइक इसको 1-1.5 साल या 2 साल भी लगा सकते हैं, तो तभी हम लोग ने तुरंत जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को बोला था कि लाइक बच्ची को अपने कल्चर में रखा जाए, बच्ची को अपने संस्कृति में रखा जाए, और इंडियन फैमिलीज ढूंढने के लिए हम मदद करेंगे। और बहुत सारी इंडियन फैमिली सामने से आके मदद करने के लिए अप्रोच भी थी, लेकिन इन लोग ने कुछ नहीं माना। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ये लोग ड्रैग करते जा रहे थे, 12 घंटे बात करने के लिए लोग ने 12 महीने लगाए रिपोर्ट बनाने के लिए, और वो रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट कोर्ट ने इसके लिए बोला कि लाइक उसके अंदर से उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि पेरेंट्स आर केपेबल इनफ टू रेज द चाइल्ड और नॉट। तो वो साइकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पेरेंट्स और बच्चे का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, फॉस्टर मदर अगर बच्चे को छोड़ के चली जाए तो बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पेरेंट्स दूर चले जाते हैं तो बच्ची को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो नर्वस हो जाती है और स्ट्रेस में आ जाती है। इसके लिए द बेटर सोल्यूशन विल बी लाइक आइदर पेरेंट्स गो इन टू द फैमिली हाउस। पहले उन लोग ने बच्ची को और हम दोनों को अलग करने का ट्राई किया, मतलब बच्ची को हमारे से, अभी उन लोग बोल रहे हैं कि आइदर पेरेंट्स को फैमिली हाउस में जाना चाहिए 3 साल या 6 साल तक, जब तक बच्ची खुद अपना विश जाहिर नहीं कर सकती है, कि बच्ची खुद बोल सके कि मेरे को पेरेंट्स के साथ रहना है या फॉस्टर केयर में रहना है। हम लोग के अंदर 5 साल तक तो बच्चे को लाड़ प्यार से ही रखते हैं, और जितना खाना है मतलब उसको जो खाना है वो खाने देते हैं, उसको रोकते नहीं हम लोग। तो ये सब चीज़ के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि उसको 3 साल या 6 साल तक हम लोग को फैमिली हाउस में रहना चाहिए, फिर ऑब्जर्वेशन होएगा, फिर डिसाइड किया जाएगा, और ये भी चीज़ लोग खींचे ही जा रहे हैं। क्या आपका मीनिंग ये है कि जर्मन अथॉरिटीज़ की ओर से बहुत डिले हो रहा है इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए, और अब जो है कुछ ही मंथ्स बाकी है आपके कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को लागू होने के लिए, और वो भी एक्सप्लेन करें कि कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल बाकी नहीं है, ऑलरेडी लागू हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयरिंग में ही साइकोलॉजिस्ट ने और मेरे ख्याल से चाइल्ड सर्विसेज ने भी ये बोला कि बच्ची तो अभी खाली इंडियन ही बोल, अरे जर्मन ही बोल रही है, उसको कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसको इंडिया नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ट्रॉमा होएगा अगर वो इंडिया आई तो।
ये बोल के, मतलब वो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि वो अभी इंडियन लैंग्वेज नहीं बोल रही है। और डिले, डिले में मैं क्लियरली बोलूँगा, डिले खाली डिले नहीं है, बहुत डिले हुआ है। जब एक साल का बच्चा, मतलब 7 मंथ्स का बच्चा है, तो ये प्रोसीडिंग फास्ट रहना चाहिए। 12 घंटे बात करने के लिए पहले साइकोलॉजिस्ट ने 12 महीने लगाए, दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट। लाइक अगर इतने छोटे बच्चे को कंसिडर करना है तो बहुत जल्दी करना चाहिए। चाइल्ड फ्लोटिंग है, चाइल्ड को किधर रखना है किसी के पास डिसीजन ही नहीं है। 19 महीना हो गया, उन लोग के पास डिसीजन नहीं है। और हम लोग जब भी बोल रहे हैं कि ठीक है इसको एक स्टेबल लाइफ दो, इसको एक जगह पे आप स्टेबल करो पहले, इसके लिए हम लोग भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि लाइक इसको एक स्टेबल लाइफ दो, हम लोग हमारा केस लड़ेंगे, फिर हम लोग फॉस्टर केयर में जाके जहाँ पे भी हमारी बच्ची रहेगी हम उधर से उसको वापस ले भी सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे आप लोग दिल्ली में हो, तो किन किन लोगों के पास गए हो, किन किन लोगों से आप लोगों ने हेल्प मांगी है, और आगे क्या है? हमने विदेश मंत्रालय में अपॉइंटमेंट मांगी है, डॉक्टर जयशंकर जी के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है, मोदी जी के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है, मेल किए हैं, ट्वीट किया है। हम आशा रखते हैं कि हमें किसी ना किसी की भी अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगी। हमें इंडियन एम्बेसी के साथ भी हम कांटेक्ट में हैं, पर जितनी चाहिए उतना सपोर्ट उनसे मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें बार बार इंडिया आना पड़ रहा है विदेश मंत्रालय से डायरेक्ट बात करने के लिए। हमने आपको दिखा दिया है कि हमारा सेक्शुअल अब्यूज़ का जो चार्जेस था वो विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ड्रॉप कर दिया। कोर्ट में तक ये केस नहीं गया, फिर भी हम बोले किसी को ऐसा कभी भी फिर भी ऐसा होगा कि एक सेकंड के लिए कि पेरेंट्स की भी कहीं पे गलती है, तो हमारे लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो छोटी सी बच्ची के लिए हेल्प मांग रहे। बच्ची तो सही है, बच्ची ने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये तो आप सब मानते हैं। सर, लास्ट टाइम हम लोग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अरिंदम बागची और विनय क्वात्रा जो चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी बात की थी, फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो, तो उन्होंने ये बताया था कि कैसे ये पूरा केस एक सेंसिटिव केस है और ध्यान रखा जा रहा है, उस पर बातचीत हो रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उसे जो बचाया जाए। उस पर क्या आपका? अगर उन लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें लूप में नहीं रखा जा रहा है, पहली चीज़। हमें डिटेल्स नहीं पता है, और एम्बेसी अपने हिसाब से ट्राई भी करती रहेगी तो भी हमें नहीं बताया जा रहा है। हमने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि आप क्या कर रहे हैं हमें बताएं, तो हमें खाली इतना बोलने में आ रहा है कि आपको हमारे पे भरोसा है, तो हमें तो भरोसा है ही भारत सरकार के ऊपर, भारत सरकार कर ही सकती है, लेकिन हमें डिटेल्स नहीं दी गई है। और अगर आपको मैं बोलूँ, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, डॉक्टर जयशंकर जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे का राइट्स प्रिजर्व होना चाहिए एंड वी विल डू एवरीथिंग फॉर दैट, तो लेकिन वो बात को, वो शायद 5 दिसंबर का था, आज 5 मार्च भी निकल गया, मतलब लगभग 3 महीना हो चुका है, अभी तक अरिया के एक राइट्स प्रिजर्व करने के लिए जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बोल के चले गए, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको लैंग्वेज सिखाना भी चालू नहीं किया है कि जो उसका बर्थ राइट है उसको अपना लैंग्वेज सीखना, काउंसिलर एक्सेस, उसको अपना कल्चर पता होना, वो कहाँ से आई है, इंडियन का कल्चर क्या होता है। एम्बेसी ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि टगोर सेंटर है बर्लिन के अंदर, वहाँ पे भी उसको विजिट कराया जाए, तो अरिया एटलीस्ट कल्चरल और रिलीजियस और सब चीज़ से बॉन्डेड रहेगी, उसको पता चलेगा कि वे शी इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज इंडिया एंड एवरीथिंग, लेकिन उन लोग वो चीज़ भी एग्री नहीं किया है अभी तक। दैट्स अ पेन एंड प्ली फ्रॉम द साइड ऑफ धारा शाह एंड भावेश शाह, हु आर पेरेंट्स ऑफ अरिया शाह, स्मॉल गर्ल हु व्हेन वाज ऑफ 7 मंथ ओल्ड is away from her parents, and since then they are trying it hard, they are struggling, and the hurdles and the legal hurdles of Germany, this particular Indian child is somewhere stuck. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel The New Indian by clicking on the bell icon. Also follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuh.